नहा चल नहा। सो हेलो इंडिया, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। तो भैया आप सबको स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में, है ना। तो आज से ठीक पाँचवें दिन से गणेश चतुर्थी मतलब गणेश उत्सव प्रारंभ हो जाए है और हमारे तह भी गणेश जी विराजमान हो। तो ये सब तैयारी उनकी लग गई है, मतलब इन सब में सजावट को सामान है ना। तय पर हमारा छोटा सा पंडाल बना हैंगे और फिर उमें गणेश जी बिठाल हैं। सो हमारी तैयारी शुरू हो गई और अब हम और हमारी मम्मी बाजार जा रहे हैं। थोड़ा सा उनको भी काम है और हमें भी थोड़ा सा सजावट को सामान लाइटें वगैरह लेने हैं, है ना। कई इतनी ख़राब हो गई थी, सो हमारी जो रखी थी भी हमने तय पे लगा दी। कुछ दो तीन दिन पहले से हमारा हुआ है मोबाइल ख़राब, सो ये कारण से हम नहीं बना पा रहे वीडियो। अब जो वीडियो बन रही है जो हमारी मम्मी के फ़ोन से बन रही है और मतलब एको कैमरा इतना सही नहीं है कि बहुत अच्छी वीडियो क्वालिटी आ पाए। तो आप थोड़ी मतलब कर लियो, कॉम्प्रोमाइज़ करियो हमारे संगे और हमें पता आप और कर होंगे। तो मतलब वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं आ पाए खिलाने, सॉरी। बाकी हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी कछु ना कछु जो अलग है मतलब कर पाए, कछु और कर पाए अच्छी क्वालिटी के लाने। तो व्लॉग में बने रहना और जो व्लॉग जो है केवल आज ने चल है, जो चल है गणेश चतुर्थी तक, मतलब जो सजा है वो तो दिखा पे नहीं दिखा, पता नहीं कहा कि अब ट्राईपॉड नहीं है, लेकिन हाँ हमने मतलब ऑर्डर कर दा है, थोड़े दिन बाद हो सका आज है। अब बने रहो व्लॉग में, बहुत मजा आ है आपको। तो भैया हम घर आ गए थे ना बाजार करके और अब हम बता रहे कि आपको कि अब हम कहा लेके आए हैं। देखो भैया हम बाज़ार से लेके आए थे सबसे पहले तो एक जे, है ना, और एक जे लाइट लेके आए थे सफ़ेद और जे मल्टी कलर वाली, और एक जो एक्सटेंशन लेके आए थे जो एक्सटेंशन का ही हमें चाहना है। तो और अब हम अपनी जे सब सामान के संग तैयारी शुरू कर रहे हैं। तो भैया अब हमने आपको दिखा दें, अब ये जो चार खम्बा है ना, ये एक दो, है ना, और ये तीन और चार जी खम्बा अभी हमने लगाना है। मतलब बाजार से तो इतना टाइम नहीं मिल पास, तो अभी हमने तय करो। और इतने पे जो हमने पीलो कपड़ा बिछादा हुआ है एक ही ऊपर, मतलब भगवान को बिराज हैंगे। और फिर कल से थोड़ी और तैयारी लगा है, सो आगे आजू बाजू में चुनरियाँ लगा हैंगे इतने पे, और ऊपर को भी कछु कर रहे हैं ना शेड एड के लाने थोड़ी। और फिर मतलब अब कछु नहीं, अब जो ट्रेलर भी नहीं हम आपको कहते, इतना मस्त साज है आप और हम दिखाएँ अंत तक, बस ब्लॉग में बने रही हो, ठीक है ना। The next day. तो भैया आज है 26 तारीख और अब हम आपको बता रहे हैं कि हमारी तैयारी कितनी कंप्लीट हो चुकी हैगी, है ना, और कितनी और बची है भाभी बताएं आपको। तो देखो इतने तीन ही तरफ की चुनारियाँ लग गई हैं, है ना, मतलब आपको अब लग रहा हुई एक पंडाल टाइप को, है ना। अब ऊपर से जा जो जा चुनरी हैगी, है ना, जा हम थोड़ी सी और फैलाएँ, अब उतर पर थोड़ा काम करने पूरी नहीं फैलाई, और जो जो छत्र है वो जो एक थोड़ी और अंदर का है हम। सो और फिर एक ही बात, अब जे देखो नीचे हमने ये चार ही तरफी जे लगा दई हैं, मतलब फैला दई हैं, एक बाउंड्री टाइप की करवे के लाने फूल लगा के जो मालाएँ लगा दई हैं, और ये जो मालाएँ हैं ये चार ही तरफी लगा हैं चार ही खम्भों के आगे, ठीक है ना। और फिर अपनी जो है लाइटें लगेंगी, और फिर थोड़ा सा और कछु लास्ट टचिंग वगैरह हुई है, और जो कछु अलग से और करने हुई है सुबह सब आपको बताएं, है ना। बाकी मतलब बहुत अच्छा साज है, आप बने रहिए ब्लॉग में, कहूँ भागियों ने, और देख रहा है फिर और का होते हैं। अबे तो इतना होगा हुए और अबे इतना ही कैसो लग रहा है आपको, वो बताइए आप। द नेक्स्ट डे, तो भैया आज है 27 तारीख और हम आज बता रहे हैं कि आज का होगा हुआ कम्प्लीट। जो देखो भैया जे चुनरियाँ लग गई थी नहीं तरपी कल्लई लग गई थी वे, तो है ना, आप जे फूल मालाएँ भी लगा दई हैं, है ना, और जे फूल माला हमने चारों तरपी बिछा दई हैं, और तर पे जो झूमर लगा दा हुए अंदर जो लग गए हैंगे, सामने हमने जो पोस्टर लगा हुआ है वह आपको ठीक से दिखने रहा हुई है, ये सामने फोटो और सामान वगैरह रखो है। और अब बस एक काम रह गया है लाइटिंग वगैरह करने हैं, और कछु कमी लगा है सो बहुत थोड़ा बहुत देख ले, बाकी अब मेन लाइटिंग है अपनी, सब मेन लाइटिंग लगने हैं। तो भैया सबसे बड़ो पहले जो चैलेंज है तो जो पंडाल बनाए में वो है तो कि जो चुनरी है तीन ही तरफी की और ऊपर की सदाने कैसे मतलब कि जो ग्रहण है ना, जो बहुत मुश्किल हो तो। और हमें जी जब बना दें ये तो चुनरियाँ लगा दें के बाद भी दो तीन बार तो गिर चुकी भी है ना, सो बड़ी मुश्किल से अब लगाई हैं और अब बब्बा की कृपा है कि वे न गिरें। और अब जो दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज है वो जो है कि अब हमें लगाने हैं जी लाइटें, जो कि खुद एक चैलेंज है, चैलेंज के ऊपर चैलेंज बोल सकते हैं, काहे कि जे तो अपन को जो है जे चुनरियाँ हैं उनके ऊपर टेप चिपका के लगा है, काहे चुनरियाँ भी थोड़ी सी भारी होते हैं, सुबह टेप से छूट जाते हैं और गिर जाते हैं ना, और अब उन पर जी लाइटें लगे, सो अब देखो मतलब हो जाए अपन हर साल जुगाड़ कर ले, सो भारतीय रेत ही जुगाड़ के लाने हैं, है ना, सो कर ले जुगाड़ सो जे भी लग जाए।
तो भैया हमने सोची कि कहूँ और देखो, इस पहले बाजार में देख लो, अगर मिट्टी के अच्छे और सस्ते गणेश जी मिला तो तहीं से ले लें। लेकिन अत हमारे यहाँ से हमारे पहले सबसे पहले कछु पुराना माल देखने मिलो, मतलब पुराने जो गणेश जी पहले बन चुके थे और थोड़े बहुत हैं, कछु नए मिले हैं ना। और इतनी पे हमारों ने देखे सो फिर हमारे को दिखान पड़े नए लुक में गणेश जी दिखाए हमारों को, जो कि वे कछु ऐसे आते बैठे आते और पीछे राम मंदिर को सिंह आता है ना। और फिर हमारे थोड़े और आगे गए सो हमारे को मिले कौन से गणेश जी, हमारे को मिले मोटू पतलू के संगे बैठे गणेश जी है ना। लेकिन हमारे को मिट्टी के बहुत कम जगह दिखाई दे, जहाँ दिखाई दे अपन के बजट से बहुत ज़्यादा बाहर है, कहें तो बहुत ज़्यादा बाहर। The next day. भैया गुड मॉर्निंग है ना, आज है 30 तारीख है ना, मतलब आज तीजा है और कल है गणेश जी की स्थापना और हमारी तैयारी घर की तो पूरी हो गई है। जे देखो आप हमारा पंडाल, अब पर्दा लगो है, लाइटिंग भी कंप्लीट हो गई है, इसके अंदर हमने जगह भी कर दी, यहाँ भगवान बैठे। लेकिन अब लाइट जला के आपको शोभ न दिखा रहे, जब गणेश जी विराजमान हो जाए हैं मतलब कल है ना, तब आप हम पूरा दिखा रहे और बहुत अच्छा है, आपको मजा आए। और उसका कहते हैं आज हम जो है गणेश जी बुक करवे या मतलब उठा भी चले जे हैं, कल स्थापना हुई है ना, कहा है हमारे घर के पास में पंडाल है वो तो बड़े गणेश जी बेटा सुबह और कहते भैया उठा भी चल रहे हैं गणेश जी अपने पंडाल। मैंने कहा एक शर्त पे जे हमारे घर के भी उठवाने पाठे है ना, तो आज अपन ले भी जे हैं गणेश जी और कल भी स्थापना और कल ही अब आपको जो सजो मंदिर देखने मिले और गणेश जी देखने। तो भैया फिर हम होते गए जहाँ पे बड़े बड़े गणेश जी बनाते हैं और संगे थोड़े छोटे गणेश जी बनाते हैं, और हमारे को इतने पे अच्छे गणेश जी मिल गए छोटे से अपने मन पसंद के। और इतनी से हमने अपने घर के पास के पंडाल के गणेश जी भी उठाए थे, वे भी ज़्यादा बड़े नहीं है लेकिन बहुत सुंदर गणेश जी हैं। तो भैया हम गणेश जी ले आए हैंगे, अंदर रखे हैं गणेश जी, मतलब हम हर साल दो गणेश जी रखा थेंगे, एक खरीद के ले आते हैं बड़े वाले थोड़े से बड़े है ना, मिट्टी के भी हैं, मिट्टी के ही हैं वे, और एक छोटे वाले रखा थे मिट्टी के वे भी। सो ले आए हैं, अब कल हुई है इनकी प्राण प्रतिष्ठा स्थापना हुई है, और जो कछु जो है ताम झाम जो आपको कल देखने मिल रहे है ना। तो भैया गुड मॉर्निंग, और आज है 31 तारीख, हमारे गणपति बब्बा कल ही आ गए थे, आज पूरी सजावट भी हो गई है कंप्लीट, बब्बा को मोगी खोल रहा है हमने है ना, अब उनको दिखा है आपको, अब थोड़ी सी तैयारी चल रही हवन वगैरह की उनकी स्थापना की। तो आप जे देखो हमारे बब्बा, जे है हमारे बब्बा है ना, और जा है पूरी सजावट पंडाल की। अब आपको तनक हम है ना दिखाएँ कि हमने काका करो है भैया, जय गणेश जी हम ले आए हैंगे है ना, मतलब निछा और देखे हाँ, मतलब वे खुद आए हैंगे है ना, अपन केवल निमित्त मात्र हैं उनको ले आवे के है ना, और एक जे ले के आए हैं और हम बता और पीछे तो जो है, और भैया जी है नवग्रह है ना, बुक रखो है कलश, और इतने पे जी सब तैयारी हो रही हवन की है, और हम बताए जो पीछे जो पोस्टर है वो झांकी के लान है, और जो राम दरबार भी है, हर साल हमारे पंडाल में राम दरबार भी रेत है वो पूरा है ना, इतने पे जो लगा है छत्र और एक जो बल्ब लगा है वो इतने पे, और एक जो इतने पे है जो फोकस बल्ब। तो भैया जी हैं हमारे गणपति अब्बा और जी हैं पीहू, इनके भी गणपति अब्बा कल ही आ गए थे, हालांकि बस फर्क इतना है वो कि हम आए मतलब हम जो हैं अब नहाला और तैयारी कर रहे हैं पूजा की। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? नहीं कह रहा है, हम बहुत तो हैं ही, बस फर्क इतना हमने नहाला और अभी तक नहीं नहाओ, नहा चल नहा ये कर लो पहले है ना। तो जी हाथी हमारे थे गणपति अब्बा, और अब हवन हो जाए फिर मिल रहा है आपसे और बात कर रहे हैं। तो भैया जे देख लो, जे हैं पीहू के बाल गणेशा
है ना, जे भी कल ही लेके आई थी। अब जे तो ऐसे रखेंगे काहे कि इनकी स्थापना नहीं भाई है, अब थोड़ी देर बाद हुई है ना। ये है पीहू, ये हैं इनके गणपति बब्बा, अच्छे हैं, प्यारे हैं, जे भी मिट्टी आई कहेंगे है ना, इको फ्रेंडली गणेश जी। तो भैया जे हैं हमारे तरह की गणपति बब्बा और इनकी स्थापना भी अब हो चुकी, हवन ववन सब हो चुका है वो, मतलब कि जे अब 10 दिन अकेलाने तय पर स्थापित हो चुके हैं। तो अब हमारे ख्याल से आपको जो सब जो तैयारी है ये सब अच्छी लगी हुई है, और आपको हमने डिस्क्लोज भी कर दो अपने गणपति बब्बा, अपनी जो सजावट पंडाल है वो सब है ना। तो अब आपको जी सब कैसा लगा वो आप कमेंट करके बताओ हमारे लाने, और अगली वीडियो के लाने इंतज़ार करो, थोड़ा सा बहुत जल्दी आ जाए हैं। अभी हम ए ब्लॉग को कहीं पे ख़त्म कर रहे हैं और आपसे मिल रहे हैं अगले ब्लॉग में। और ब्लॉग पसंद आ हो तो लाइक कर दियो, चैनल पर ना हो तो सब्सक्राइब कर दियो, काहे कि आपके लाने हम ऐसे ही बहुत अमेजिंग इंटरेस्टिंग ब्लॉग लेके आते रहेंगे। तो हम मिल रहे कि नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक लाने बाय बाय।